सो है दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के करीब 7 बजे से भुवनेश्वर पहुंच गए और सामान रखवा के गाड़ी में होटल की तरफ निकल गए। तो दोस्तों, अभी फ्रेश अप हो चुका हूँ और अभी खाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे पास में एक होटल है, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे बापू स्वीट्स एंड होटल अभी स्टार्ट ही हुआ है, कुछ मिल जाए होप सो। तो दोस्तों, अभी हमारा नाश्ता आ चुका है, इडली और बड़ा इसी से हम नाश्ता करेंगे। और मम्मी पापा ने बस इडली लिया है। तो दोस्तों, ओला आ चुकी थी और उसी में बैठते हुए हम निकल पड़े जहाँ हमें पहुँचना था। तो दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम एलबी प्रसाद इंस्टीट्यूट। यहाँ पे पापा का कुछ आँख वगैरह प्रॉब्लम है, तो कहीं पे ठीक नहीं हो रहा था। देखते हैं यहाँ पे दिखा के कुछ हो जाए शायद। देख सकते हैं दोस्तों, कितना भीड़ लगा हुआ है। ऐसे करीब 15-20 वेटिंग हॉल है। आज तो पक्का लेट होने वाला है, फिर कोई नहीं, मेडिकल काम तो लेट होता ही है, देखते हैं। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं 2:00 PM और अभी तक मतलब काम ख़त्म नहीं हुआ है। और 2 बज चुके हैं तो मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ, शायद बाहर कहीं लंच वंच का कोई इंतज़ाम शायद हो जाए। तो देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, चलते चलते दिखा एक होटल दिख रहा है, रेस्टोरेंट है, कहाँ पे है उधर है, देखते हैं खुला वाला है कि नहीं। चलिए चल के देखते हैं। दोस्तों, ये कुछ होटल का इंटीरियर और मैंने अभी ऑर्डर दे दिया है ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी। और तो कुछ सोचता ही नहीं है, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। ये कुछ मेन्यू कार्ड है इसका, रेट भी किफ़ायती है वैसे, 100, 150, 200। तंदूर वंदूर का भी रेट सही लग रहा है। एंड सभी प्लेट भी सोच चुका है, खाना आने वाला है शायद। अरे दोस्तों, खाना भी आ रहा है। तो दोस्तों, दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, अब टेस्ट करके पता चलेगा एक्चुअली में कैसे है। ऐसा अभी खाना तो ख़त्म कर दिया है मैंने, लेकिन टेस्ट वाइज बोलोगे भाई उतना मतलब खास नहीं है, मतलब एवरेज टाइप का बोल सकते हो, उतना मतलब टेस्टी नहीं था। मतलब दम लिख दे रहे हैं लेकिन वो दम नहीं हो रहा है, वो मिक्स कर देना है। करी का अलग होता है, मतलब चिकन हो या मटन हो, उसको राइस के साथ मिक्स कर दे रहे हैं वैसे टाइप का है। तो खैर, यहाँ पे आसपास उतना होटल नहीं है, तो यही एक ऑप्शन बच रहा है, इसीलिए खाना पड़ गया। कोई बात नहीं, और थाली सिस्टम वो सब भी था, और थाली तो मैंने खाया नहीं, शायद वो अच्छा मिलता हो। तो इसका लोकेशन बता देता हूँ, ये सामने जो रोड देख रहे हैं इधर, ये लेफ्ट साइड एलबी प्रसाद है, ये रोड देख रहे हैं तो बीच में आपको पूरा बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा। और उधर से आते वक्त सीधा अगर जाएंगे आप तो उस तरफ से एक चौक पड़ेगा, लेफ्ट साइड होंगे तो आपका साइंट इंटरनेशनल स्कूल पड़ता है वहाँ से। खैर, कभी कभी खाना खाने के बाद अभी करीब 800 मीटर करीब हो जाएगा हॉस्पिटल, फिर फ्लोर चढ़ो 1 किलोमीटर तरफ हो जाएगा, तो अच्छा खासा अभी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा। चलो कोई नहीं, मौसम भी मतलब इतना धूप नहीं दे रहा है, कल जितना ह्यूमिडिटी था आज थोड़ा सा मतलब शांत है। और यहाँ पे थोड़ा हरा भरा मतलब प्लांटेशन बहुत, मतलब अंदर और बाहर भी मतलब प्लांटेशन बहुत हुआ है, तो इसीलिए भी शायद थोड़ा ठंडा है। और हाँ दोस्तों, अंदर में बिल्कुल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ था। हाँ, चुपके से तो बना ही सकते हैं, लेकिन जहाँ का जैसे नियम है उसको तो कोई मानना चाहिए, इसीलिए मतलब वो थोड़ा सा वेटिंग वाला एरिया तरफ मैंने दिखा दिया,
बाकी डॉक्टर कैम्बर तो सब कुछ जो मतलब जहाँ मना है तो करना नहीं चाहिए वैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बाहर का जो दिखाई सकता हूँ, कितना सारा पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे हर तरफ से। इधर आप देख सकते हैं कितना मतलब गार्डन, कितना ग्रीनरी है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग करीब 3:30 बजे तक पहुँच चुके थे और थोड़ा सा रेस्ट किया है। उस समय वीडियो भी मैंने किया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं बाहर निकला हूँ कुछ एक्सप्लोर करने, देखते हैं क्या क्या मिलता है कुछ खाने वगैरह, देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ऐसे चलते हुए जा रहा था और मुझे दिख गया ये वाओ मोमोस, और मैंने काफ़ी दिनों से ये ट्राई भी नहीं किया था, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों अभी आ चुका है तंदूरी मोमोस ट्राई करके। तो चलिए पसंद करने के बाद बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने खा लिया है ये, और क्या ही बताऊँ दोस्तों, ये रिकमेंडेड नहीं है भाई, मतलब इससे कितने ही अच्छे अच्छे मैंने दिल्ली में खाए हैं, अभी 100 रुपये में 10 पीस कितना आ जाता है, ये मतलब प्राइस के हिसाब से कुछ जस्टिफाइड नहीं है। हाँ स्टीम खा सकते हो आप, लेकिन बैड हो गया। ये तरह तरह के चीज़ पाओ ये सब कुछ का नाम जुमला कर रहे हैं और इतना खास नहीं है सही में। हाँ फीलिंग्स वगैरह ठीक है पर, लेकिन स्टीम ज़्यादा किफ़ायती है यहाँ ना कि कुछ और, तो स्टीम ट्राई कर सकते हो। दोस्तों वहाँ पे मोमो ने तो मूड ख़राब कर दिया। वहाँ पे जस्ट रमादेवी यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने एक भैया अभी मोइटो बना रहे हैं, तो पूछते हैं क्या क्या है इनके पास। भैया वो ब्लू वाला जो पी रहे हैं वो एक बना दो, तो ब्लू लगू भाई तो हाँ जो भी है एक तो हाँ अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों वो अच्छा दिख रहा था तो मैंने एक ऑर्डर कर दिया, देखते हैं कैसा लगता है। बना रहे हैं भैया, डाल दिया नींबू बिना, अब ये देसी नुस्खा। दोस्तों ये होने ही वाला है, हो चुका है। एक सीप लेते हैं, वाह बढ़िया है, वाकई अच्छा है ये फूल भी फेटे हैं। तो चलिए पीने के बाद बताता हूँ। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने ही इतने सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ जितने हैं, और मैंने तो कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बस वो मोइटो ही पी पाया हूँ। होप सो कि कभी नेक्स्ट टाइम आ पाऊँ कुछ टेस्ट करने के लिए। वैसे काफ़ी दुकानें हैं, वैसे कबाब आवास भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। चलिए थोड़ा बहुत ऐसे टहलते हैं, उसके बाद अभी चले जाऊँगा कुछ काम, वैसे कुछ करने को अभी है नहीं। वैसे दोस्तों शाम का भुवनेश्वर का एक अलग ही अलग मज़ा होता है, जैसे वेल प्लान्ड रोड, ये साइकिलिंग पाथ देख सकते हैं, ये वॉकिंग पाथ, तो यहाँ पे चलने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। आप पूरा कम से कम 10 किलोमीटर करीब ऐसे चल सकते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब ये म्यूनसिपैलिटी के द्वारा किया गया है। सो अभी गैस मैं रूम पे आ चुका हूँ और फ्रेश अप भी हो चुका हूँ, और तो कुछ करने के लिए है ही नहीं आज। तो मम्मी पापा मार्केट बिल्डिंग तरफ गए हैं तो मुझे ही बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, गया ही करूँगा वहाँ पर, तो उससे अच्छा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ रूम में। और आज तो और दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसके बाद डायरेक्ट हम डिनर वगैरह करेंगे और उसके बाद कल पूरी वगैरह का प्लान है। तो अच्छा फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे ब्लॉग्स तो तब तक के लिए थैंक यू।